नमस्कार, जय हिंद। जो अपडेट है चाचा, नरेश भाई साल मामपी की, बहुत सी मक्खियाँ दिल्ली में हमारी माननीय राष्ट्र की राजधानी नई दिल्ली में मैंने फेसबुक के माध्यम से देखी। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। मेरे एक प्रिय मित्र, जब हम राजकीय हाई स्कूल जुबरंग में कार्यरत थे, सेवारत थे, कमल सिंह राणा जी बहुत बेहतरीन इंसान, एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे किसान, हमारा राष्ट्र बहुधा गांव में रहता है, खेती बाड़ी करता है, गाय पालता है, भेड़ बकरी, खच्चर, बैल, घोड़े, ये हमारी मुख्य व्यवसाय है। मुख्य व्यवसाय आप सभी जानते हैं, विद्वान हैं, तमाम देश के नागरिक इस बात से जानते हैं, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। तो उन्हें क्या हुआ, वो अपने खेतों में गए थे, वहाँ उन्हें किसी मक्खी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, मक्खी ने काट लिया। मैंने अखबारों में ये बात पढ़ी थी, फिर अपनी पत्नी के मुख से भी ये बात सुनी थी, उनकी भांजी, मेरी पत्नी की मित्र है, लापरवाह है, हाथ नहीं धोया होगा, क्या नहीं किया होगा, या उस वो संक्रमण इस तरह का होगा। बहुत तरह की मक्खियाँ होती हैं, बहुत साल पहले मिस्र में भी इस तरह की घटनाएं, पूरी विद्वान लोग जानते हैं, घटनाएं हुई हैं कि मक्खियों ने बहुत संक्रमण फैलाया है। तो हमारे गांव के लोगों की आदत होती है, उसको मैं एक देशभक्ति के गीत की नकल करके आप तक अपना संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो मकसद है कि हम अभी अपनी आदत ही बना लें। बांध लो अपने सर पर कफन, आंगन पिछवाड़े ना करेंगे हम मलमूत्र, ना करेंगे खुली जगहों पे, दीर्घ शंका ना करेंगे अब हम खुली जगह पे, दीर्घ शंका बांध लो अपने सर पर कफन, मुश्किलों में है, मुश्किलों में है हमारा वतन, जिंदगी कहीं मौत ना बन जाए, संभालो यारो, ओ जिंदगी कहीं मौत ना बन जाए, संभालो यारो, चाहे हम जंगल से लेकर आए हों लकड़ी, चाहे हम जंगल से लेकर आए हों लकड़ी, या हम खेतों से लेकर आए हो घास, चाहे हम खेतों से लेकर आए हों
घासिया हम दूकर आए हों गऊ माता के थन से दूध की बाल्टी। घर आके कर लो अपने हाथों की सफाई, बना लो इसको भविष्य के लिए भी। अब अपनी अपनी आदत, जिंदगी कहीं मौत ना बन जाए। संभालो यारो, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। जला लो अपने अपने दिल में समाए समाए वतन की यारो। जला लो अपने अपने दिल में समाए वतन की यारो। ना निकलो घर से बेनकाब, पहन लो अपने चेहरे पे मास्क, बना लो शहर में भी जाकर अनुशासन। दे दी है थोड़ी ढील जनता कर्फ्यू में प्रशासन ने। लेकर आओ कोई जरूरी सामान, खुद भी बचो औरों को भी बचा लो ओ मेरे यारो। खुद भी बच जाओ औरों को भी बचा लो मेरे यारो। जिंदगी जिंदगी कहीं मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी कहीं मौत ना बन जाए, संभालो यारो। करोना घर में ना आ जाए, कहीं से भी हो हम घर को जब आए, चाहे हम आए खेतों से घास लेकर, या जंगल से लेकर आए हो लकड़ी, या हम आए हो गौशाला से दूकर गौ माता के थन भर के लाए हो घर में अपने दूध की बाल्टी। करोना घर में ना आ जाए, संभालो प्यारो, मुश्किलों में है वतन। खुद भी संभलो औरों को भी संभालो वो मेरे यारो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अमर करिएगा इस बात पे। हम और आप भविष्य के लिए भी तैयार रहें, अपने आस पड़ोस की जो गंदगी है उसको अब नहीं होने देंगे। आप सब विद्वान हैं मुझसे ज़्यादा, मैं तो आप सबके चरणों की धूल भी नहीं। भारतवर्ष के लिए, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए, अपनी इस खुले में शौच करने की आदत को भी बदलिए। मुझे पता है भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा गांव में रहता है, मुझे क्या, आप सबको पता है हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि है, भेड़ बकरी पालना है, गाय पालना है, भैंस पालना है, खच्चर घोड़े पालना है, और हम आप सब की आदतें लगभग ऐसी ही होती हैं। तो मैंने जो ये बात सुनाई आपको, ये बिल्कुल सत्य घटना है। राणा जी की मौत भी एक मच्छर के काटने से हुई थी, वो संक्रमण फैलाते हैं,
और ये जो भारतीय स्वच्छता का मिशन हमारे माननीय राष्ट्रीय सरकार ने दिया था, शायद ये एक दृष्टांत था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि संभल जाओ। लेकिन हमारे पड़ोसी चीन को समझ नहीं आई और हालत पूरी दुनिया में आज कोरोना ने आतंक मचाया हुआ है। जब कोई माननीय प्रधानमंत्री जी किसी देश के बोलते हैं तो वो अपने लिए नहीं बोलते, आस पड़ोस के लिए बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कितनी सही बात कही थी, आज पूरी दुनिया इस चीज़ का महत्व समझती है, समझ रही है। अगर नहीं समझेगी तो भविष्य में कुदरत समझा देगी। तो इसलिए मेरे प्यारे भारतवर्ष के भारतीय नागरिकों, भूल जाओ शहर में जाकर तफरी मारना, खाओगे पुलिस वालों के डंडे, कर लो प्रशासन का सहयोग थोड़ा, कर लो शर्म अब अपने आप पे, ना गैर जिम्मेदाराना हरकत करो कोई। हमको भारत को विश्व विजेता है बनाना, ना निकलो बेनकाब शहर की गलियों में, गांव की गलियों में बांध लो अपने सिर पे कफन, ना निकलो बेनकाब घर से, पहन लो अपने चेहरे पे मास्क, जिंदगी जिंदगी कहीं मौत ना बन जाए, संभालो यारो जिंदगी कहीं मौत ना बन जाए, संभालो यारो वतन खतरे में है, तुम भी तो थोड़ा कर्म कमा लो मेरे यारो। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्कार, प्रणाम।